जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। होली में गुजिया के साथ साथ बहुत सारे पकवान बनते हैं और उसमें से एक है कांजी बड़ा। कांजी बड़ा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये कांजी जो है इससे हमारी पाचन क्रिया बहुत स्ट्रांग होती है। जो इतना सारा गुजिया, दही भल्ला, मठरी, चाट खाते हैं ना, उसको डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो ये जो जूसी सॉफ्ट सा कांजी बड़ा बनाना बहुत आसान है, बस कुछ टिप्स हैं जिससे आपका परफेक्ट बनेगा। मैं आपको एक पीस काट के दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए कितना सॉफ्ट बना है और इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं कितना जालीदार बना है, अंदर तक कैसे जूस भरा है ना दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हमारी जो कांजी बड़ा की रेसिपी है उसको हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम एक काम करेंगे, इसके लिए ये जो कांजी है उसको बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच सरसों लिया है, पीला सरसों है ये, और 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे काली सरसों ली हूँ, 1/4 छोटा चम्मच हींग और 1/2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे काली मिर्च के दाने, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे हम नमक लेंगे। और इन सारे सामग्रियों को अभी एक मिक्सिंग जार में डाल के इसको हमें पीस लेना है। जो सरसों है, मतलब जो पीला सरसों और जो काला सरसों है, यह हमारा जो पानी को, जो कांजी को फॉर्मेंट करेगा और फॉर्मेंट करके एक खटास देगा। तो अभी देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इसको हमें पानी डाल के नहीं पीसना है, इसको हम ऐसे सूखा ही पाउडर बना लेंगे, अगर दरदरा रहे तब भी बढ़िया है। एक कांच का जग लिया है जिसको मैंने अच्छे से धोने के बाद धूप में सूखा दिया था, मतलब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अभी जो पाउडर हमने बनाया था उस पाउडर को हम पूरा जो मस्टर्ड पाउडर बनाए थे उसको हम इसमें डाल देंगे। अब डालने के बाद इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ जो कि हमारा पानी को एक प्यारा सा कलर देगा। 2 लीटर पानी मैंने उबाल के उसको ठंडा करके रख लिया था और अभी वो रूम टेम्परेचर में आने के बाद उस पानी को मैं अभी इस जग में डाल रही हूँ। तो दोस्तों ये है कांजी। इंस्टेंट इसमें खटास लाने के लिए मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास अगर खड़ा अमचूर है या इमली है तो आप उसमें से भी 2 पीस डाल सकते हैं, और अमचूर और इमली अगर डालना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 कप दही को फेंट के अच्छे से इसमें मिला के फेंट लीजिए। अब एक दिन में ये बहुत ही अच्छा खट्टा हो जाएगा। कांजी को खट्टा करने का कितना अच्छा उपाय है ना, लेकिन राजस्थान में इसको 4 से 5 दिन धूप में रख के उसको हमें मतलब फॉर्मेंट करते हैं। मैं ये आपको 1 दिन के बाद ही दिखा रही हूँ। 1 दिन अच्छे से मैंने धूप में रख दिया था और अभी आप देखिए दोस्तों कितना प्यारा कलर आ गया है, हल्दी से कितना प्यारा कलर आया है। और विश्वास नहीं करेंगे, जब जग का ढक्कन खोली तो फ्लेवर भी बहुत अच्छी आ रही है और खटास भी बहुत अच्छा है। नमक थोड़ा सा कम था, मैंने 1 चम्मच और नमक इसमें डाल दिया है। तो कांजी तो तैयार हो गया है, बड़ा बनाने में लेट क्यों करें। 1/2 कप मूंग के साथ दाल के साथ यहाँ पे मैंने 1/3 कप उड़द की दाल लिया है। आप चाहें तो इस बड़े को पूरा मूंग की दाल या फिर पूरा उड़द की दाल में भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ये जो बड़ा है ये मूंग की दाल और उड़द की दाल को मिक्स करके ही बनाया जाता है। तो अभी देखिए दोस्तों मैंने इसको मतलब अच्छे से 5 से 6 घंटा भिगाने के बाद कितना अच्छा ये फूल गया है। अभी इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 हरी मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक, 1 छोटा चम्मच जीरा जिसको हमें मिक्सिंग जार में डाल के पीस लेना है। बिना पानी डाले पीसेंगे तो ये ऐसे ही दरदरा सा क्रस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ये जो मसाला वाला छोटा सा जार लिया है जिसमें क्या है, ये जो दाल को पीसेंगे तो हम बिल्कुल भी पानी ना डालें तो ये बहुत अच्छे से पीस जाएगा, या फिर हमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने बिना पानी डाले पहले पीस रही हूँ। ये देखिए पूरा दरदरा है, साइड से जो जीरा वगैरह है उसको अंदर को कर देंगे और मैं 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जब हम इसमें नमक डाल के मिक्स करेंगे तो नमक भी पानी छोड़ेगा तो हमारा बैटर अपने आप पतला हो जाएगा, उसी लिए पहले से हमें स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है।
आप देख सकते हैं मैंने चिकनाई में पूरा पीस लिया है। इसको अभी एक बर्तन को निकाल लेंगे, इसमें हमने सारा मसाला डाल चुके हैं और जो बाकी बचा बैटर है उसको भी, बाकी बचा दाल है उसको भी ऐसे ही बैटर बना लेंगे, लेकिन उसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे। अब उस मसाले को भी, उस बैटर को भी मैं पीस के इसमें डाल दी हूँ। अब डालने के बाद दोस्तों इसमें अब हमें नमक डालना है। इस बैटर को हमें कोई फॉर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम इसमें कोई सोडा वोडा डालेंगे। आप देखिएगा कितना अच्छा फ्लफी होके फूल के बड़ा बनेगा। बस एक काम करना है, बैटर पीसने के बाद इसको हमें 10 से 15 मिनट ऐसे ही फेंटना है। फेंटने से ये बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेगा और बड़ा भी हमारा फूल के फ्लफी हो जाएगा। बैटर तैयार, अभी हमें पानी तैयार करना है। तो ये जो पानी है, मैंने ये 2 गिलास पानी लिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग डाली हूँ। डाल के इसको मिक्स करके एक साइड करके रख देंगे, ताकि ये जो पानी में हम बड़ा को तल के डाल सकें। तेल गरम हो गया था, छोटे छोटे गोलाई में मैं बड़ा बना रही हूँ। आप चाहें तो आप जो शेप देना चाहें, बड़ा का अगर एक्सपर्ट है तो जैसे मेदू बड़ा बनता है वैसे भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए, फ्लेम को लो टू मीडियम कीजिए और बड़ा ऐसे डालते जाइए। एक बैच बनने के लिए 4 से 5 मिनट का टाइम लेगा। हल्के हाथों से पलट दीजिए और हल्का सा गोल्डन कलर होने तक आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो दोस्तों एक बात बताइए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे रेसिपीज़ कैसे देख पाएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लेकिन आपका सुझाव जो कि कमेंट सेक्शन में आप लोग अगर लेके देंगे, मैं अपनी वीडियो में क्या सुधार लाऊं, क्या आपके लिए बना के लाऊं, वो भी समझ सकती हूँ। आशा करती हूँ आप मेरा मोटिवेशन बनेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देंगे। एक बैच बन के तैयार हो गया है, उसी तरह हम दोबारा भी डाल देंगे। एक चीज़ यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूँगी, जब तेल में कोई भी चीज़ आप डीप फ्राई करते हैं, पहले बैच में थोड़ा सा कम डालिए। जिससे क्या होगा, आपका तेल का टेम्परेचर हुआ, बैटर की कंसिस्टेंसी हुआ, या आप बैटर को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं, आप सब कुछ समझ जाएंगे। दूसरे बैच में आप जितना ज़्यादा डालेंगे, उस टाइम तक आपको उतना समझ आ गया होगा कि बड़ा कैसे बनेगा, या पकोड़े हो या पूड़ी हो। तो बस कुछ बड़ा मैंने तल लिया है, लेकिन वहाँ पे निकाल के रख रही हूँ और यहाँ से ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये बड़ा अपने आप में ही बहुत स्वादिष्ट है। तो मैं जल्दी से जितना बनाई हूँ उसको पानी में डाल देती हूँ, वरना ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इसको मैं अभी हम पानी में डाल के इसको हमें थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लेना है और ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ देना है। और जो बाकी बचा बैटर है उसको मैं तल के अलग से निकाल लूँगी, उसको मैं बाद में कर लूँगी। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं बड़ा कैसे फूल गई है और सॉफ्ट हो गई है। बस इसको अभी हमें तुरंत पानी से निकाल लेना है। जैसे हम अपना दही भल्ला को पानी से निकालते हैं, ठीक उसी तरह इसको ऐसे हाथ से हल्का सा प्रेस करके निकालते जाएंगे। एक बात यहाँ पे और बोलना चाहूँगी, अगर आपको, जैसे मैंने आज जितना बड़ा बनाया था ये मेरा कांजी के लिए सफिशियंट है, तो मैं इसमें अभी जो कांजी है, कांजी जितना बना है उसका आधा डाल के इसको सोक कर रही हूँ। लेकिन आप अगर चाहें, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो ऐसे पानी से निचोड़ के एक डब्बे में फ्रिज में आप 4 से 5 दिन के लिए रख सकते हैं। जब कोई मेहमान आए तब उस टाइम कांजी में सर्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने कांजी में डालने के बाद इसको 1-2 घंटे के लिए, करीबन 2 घंटे के लिए मैंने ढक के छोड़ दिया था। अभी आप देख सकते हैं ये जो बड़ा है कितना सॉफ्ट हो गया है, कांजी में डल के और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, और भी ज़्यादा जूसी हो गई है। इसको सर्व कैसे करते हैं, कटोरी में ऐसे, या फिर कप में, मग में, किसी में भी एक बड़ा डालिए, उसके ऊपर कांजी ज़्यादा डालिए और इसको एंजॉय कीजिए। होली में मुझे याद कीजिए।